को किस पद पर तैनात थी? मोहन गुज कोतवाली में हमारी महिला उप निरीक्षक अश्विनी यादव जो तैनात थी, आज उनके अपने ही आवास में पंखे से उनका शव लटकता हुआ मिला। एक अत्यंत दुखद घटना है जो हथपथ कर देने वाली है। वो अत्यंत होनहार और कर्मठ उप निरीक्षक थी। उनका कमरा अंदर से बंद था, पुलिस ने उसको तोड़ करके अंदर प्रवेश किया। आज ठीक 2 से 2:30 बजे के बीच में क्षेत्राधिकारी कार्यालय में एक मीटिंग में वो गई थी, वहाँ उपस्थित थी। वहाँ इस प्रकार का कहीं कोई संकेत उनके द्वारा नहीं मिला किसी को। अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ओआर सीओ का ओआर था, ओआर स्थगित होने के बाद वो आ गए। उन्होंने कहा था कि जब ओआर फिर से होगा तो शाम तक मुझे बता दीजिएगा। शाम को एडिशनल एसपी के ओआर की सूचना देने के लिए जब थाने का मुंशी वहाँ पहुँचा तो कमरा अंदर से बंद, खटखटाने पर ना खुलने की स्थिति में उसने थानाध्यक्ष को अवगत कराया। थानाध्यक्ष वहाँ पहुँचे और दरवाजे को तोड़कर जब भीतर प्रवेश किया गया तो ये घटना का पता चला। ये अत्यंत दुखद घटना है जिसमें कि हमारी आरंभिक तहकीकात चल रही है। ये 1918 बैच में इस जनपद में आई थी, 1918 में 2017 बैच के उप निरीक्षक। सर, मूलतः रहने वाली कहाँ की थी? मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं और जनपद में उनका व्यवहार, बड़ी कार्यक्षम अधिकारी थी। इस संदर्भ में हमारी जांच जारी है, फॉरेंसिक की टीम मौके पर है और हम अन्य सभी तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा 2 बजे तक जो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भीतर व्यक्ति का ऐसा कोई कारण होगा जिसके कारण इस आकस्मिक आवेग में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसके संबंध में हम छानबीन कर रहे हैं और तथ्यों को पता करने। क्या किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिला इसमें? उस संबंध में अभी हम फॉरेंसिक की टीम है, हमारी थाने की टीम है, उनके पक्ष की तलाशी ले रही है, उनके परिजन भी हैं।